यार, हर किसी की जिंदगी में ना कुछ पल ऐसे आ जाते हैं जो उसे रस्तों से भटका देते हैं, लेकिन सच्चा मुसाफिर वही है जो भटक भटक के ना रास्ता ढूंढ ही लेता है। हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो आज दूसरा दिन है हमारा मुंशारी में। जैसा कि आपने देखा था, कल हम लोग यहाँ TRC में रुके हुए थे और मैं आपको एक बार दिखा दूँ, यहाँ पे जो रूम है, इस तरह से रूम है, एक छोटा सा रूम मिलता है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है, मतलब इतना बुरा भी नहीं है, और साथ में टेबल चेयर्स भी मिलते हैं, और द बेस्ट पार्ट की आपको यहाँ पे एक लैपटॉप में काम करने के लिए इस तरह से स्टूल और ये भी टेबल भी मिल जाता है, साथ में TV भी मिल जाता है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दी बालकनी। और मैं दिखाता हूँ बालकनी से कितने नज़ारे हैं आपको देखने को मिलेंगे, मज़ा ही आ जाएगा। ये देखो मेरे पीछे, वो दिख रहा है आपको, वो है बत्ती फॉल। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो। सो गाइस, ये बेस्ट पार्ट है यहाँ का, अगर आप यहाँ स्टे करते हो तो यहाँ से बत्ती फॉल आपको देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ में रूम भी बहुत चीपर है। जैसे कि मैंने कल आपको यहाँ के प्राइसेस भी बताए थे, 900 रुपये का ऊपर वाला रूम है 890 रुपये का, और नीचे वाला रूम 800 रुपये का है, तो 100 रुपये का फ़र्क है बालकनी रूम में और नीचे वाले ग्राउंड वाले रूम में, तो बालकनी वाला लेना वर्थ है बिकॉज वाटरफॉल। और इसके सामने वाला साइड में आपको दिखा देता हूँ, कॉमन बालकनी है यहाँ पे, और बालकनी के बाहर जो है एक बहुत ही फ्लैट जैसा एरिया जहाँ पर आंगन छोटा सा बोलते हैं, तो यहाँ पर भी बैठ सकते हो, ये भी एक अच्छा पार्ट है। ये देखिए मेरे पीछे व्यू, अमेजिंग। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे कर ले रहे हैं नाश्ता करने का, अब सीधे जाएंगे बत्ती फॉल, और नाश्ते में हमने मंगाया है आलू के पराठे, और जो मैं कल कह रहा था ना, हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं साथ में, तो सील भाई आए हुए हैं हमारे साथ। हेलो। सो गाइस, ये आपने इनको लेह वाली वीडियो में देखा होगा और नाग तिब्बा वाले ट्रैक पे देखा होगा, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लेना। तो हम काफ़ी टाइम से साथ में ट्रैवल करते, तो आज काफ़ी टाइम बाद इनफैक्ट ट्रैवल कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद से बिकॉज लॉकडाउन के बाद तो ऐसे भी काफ़ी यार मॉल खतरनाक हो गया था। एनीवे, बट अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करके हम सीधे जाना है बत्ती फॉल, और फिर मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ आते हो तो कैसी रोड का क्या कंडीशन है, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और साथ साथ में अगर यहाँ स्टे नहीं मिलता तो आपको कहाँ जाना चाहिए, और क्या ऑप्शन हैं यहाँ पे और दूसरे, वो मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहे। सो गाइस, नाश्ता वगैरह करके अब हम लोग निकल गए बत्ती फॉल के लिए। तो बत्ती फॉल के लिए जो रास्ता आता है TRC से बिल्कुल रोड से सट के एक रास्ता आता है ऊपर को, यहीं से ऊपर को, तो ये वाला है क्या? हाँ, यही है सर। तो ये रास्ता जाता है, तो यहीं से अभी हम जा रहे हैं सीधे बत्ती फॉल, बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पे भी नहीं है, खतरनाक रास्ता है ये तो। नमस्कार हो। तो भाई, जो रास्ता है वो थोड़ा सा हल्का सा स्टीप है, प्लस यहाँ पे जो रास्ता सीमेंटेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जूते जरूर पहन के आना बिकॉज थोड़ा सा काई हो रहा है, फिसलन हो सकती है। मेरा दिन कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मुंशारी के पहाड़ों में खो गया कहा? सो गाइस, ये छोटा सा ट्रैक करने के बाद हम यहाँ पे आ गए हैं, और बिलीव मी और नॉट, जैसे ही आप इस स्पॉट पे पहुँचते जहाँ पे मैं हूँ, आपको अगर आवाज़ सुनाई दे रही है झरने की, बहुत अमेजिंग है, मतलब जो मैंने सोचा था ना उससे 200 या 500% बेटर, देख रहे हो, सीरियसली ब्रो, बहुत ही अमेजिंग। मतलब वहाँ पे जाना तो बहुत मुश्किल लग रहा है बिकॉज पानी उड़ के आ रहा है, फिर भी हम ट्राई करेंगे वहाँ पे जाने की, जो वो वाला स्पॉट है वहाँ पे कुंड भी है बेसिकली, थोड़ा रिस्की वहाँ जाना क्योंकि पानी ठंडा भी होगा और ऊपर से फोर्स से आ रहा है, ऊपर से झरना देख लो। तो ये जो बत्ती फॉल है, इसका नाम बत्ती फॉल इसलिए बिकॉज यहाँ पे जो गांव है उसका नाम बत्ती है, और प्लस ये पानी जो है ये कोई बरसात का पानी नहीं है, ये ऊपर ग्लेशियर से आता है, बहुत ऊपर टॉप से आता है। सो गाइस, बत्ती फॉल के जस्ट सामने एक छोटी सी शॉप है यहाँ पे भाई साहब की, भाई साहब क्या नाम है आपका? मान सिंह। आप यहीं के हो, गाँव के? बत्ती का। बत्ती के ही हैं, और यहाँ पे अगर आप आते हो तो मैगी वगैरह क्या क्या आप प्रोवाइड करते हो? सब बनाता हूँ, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब यहीं बन जाता है इस फोन में। हाँ, वो
सामान है, सब कुछ है। अच्छा, सारा सामान है। तो मतलब अगर आप यहाँ फॉल पे आ रहे हो तो यहाँ दिन भर आराम से स्पेंड कर सकते हो, यहीं खाना खा सकते हो। बस थोड़ा सफाई वगैरह, प्लास्टिक वगैरह सफाई का उसका ध्यान देना। भाई साहब भी ध्यान देते होंगे, कूड़ादान बना रखा है। हाँ, तो उसका थोड़ा ध्यान देना। लेकिन अगर आप आते हो तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था अवेलेबल है। जैसे हरिद्वार जाते हैं हम तो वो यहाँ पर ही करते थे। अच्छा, मतलब हरिद्वार के बराबर इसकी मान्यता। चलो बढ़िया। आज की डेट में जैसे कोई बाहर से आया, कोई दारू पी गया, कोई नहाया, तब खत्म हो गया। गंदगी से सारा पीने वाला पानी भी है ये। हाँ, समझ रहे। अब ये वैसे हम इसको बोलते हैं, इसका गंदगी मत करो, इसमें नहाओ मत, पीने के लिए मत जाओ, तो लोगों को बुरा लगता है ना। सही, अच्छा तो जाते हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हैं तो आप बिल्कुल यहाँ गंदगी मत करिए। इनफैक्ट पानी में आप नहाना भी मत, बिल्कुल मत, बिकॉज ये पानी जो है ना डायरेक्ट सप्लाई नीचे आता है, पूरे गांव इससे पानी पीता है। और जो होटल में आप रुके हो गए TRC वगैरह में, वहाँ भी पानी इसी के थ्रू जाता है। तो भाई, एज यू कैन सी, आई डोंट नो, आपका आवाज़ मेरी सुनाई दे रही नहीं सुनाई दे रही, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है इसकी। और यहाँ जाके बहुत ज़्यादा भीग गए हम लोग, और काफ़ी हमने यहाँ पे फोटोज़ वगैरह और अमेजिंग वीडियोज़ बनाई हैं। तो वीडियोज़ और फोटोज़ देखने के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना यार, लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और दुकान हमें मिली है, यहाँ पर एक मैगी की दुकान है, तो अगर आप चाहो तो मैगी वगैरह भी खा सकते हैं। भू, मैगी वगैरह मिलती है यहाँ? हाँ, हाई कर दो, हाई। धन्यवाद। हम लोग वहाँ से आ गए हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों को आवाज़ सुनाई दी नहीं सुनाई दी मेरी, लेकिन बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। काफ़ी ज़्यादा भीग गए थे, मैं तो पूरा भीग गया हूँ। सील क्या कहता, क्या मज़ा आया? मज़ा आ गया बिल्कुल, झड़पर हुई है एकदम। और इतना भीग गए और नहाया, मतलब पानी के पास भी नहीं गए तब भी इतना भीग गए। मतलब अगर तुम्हें सुबह नहीं नहाना है तो तुम यहाँ खड़े हो जाओ, बस आगे हैं, यहाँ आके आप नहा लोगे। तो फिलहाल यहाँ से हम रैप अप करके अब जा रहे हैं सीधे खलिया टॉप की ओर। तो यहाँ से थोड़ा सा कुछ 7-8 किलोमीटर आगे या कुछ 10 किलोमीटर आगे से ट्रैक स्टार्ट होता है। तो अभी हम चेकआउट करते हैं होटल से और सीधे चलते हैं खलिया टॉप की ओर। सो गाइस, वृत्ति फॉल से हम आ गए हैं, सील वहाँ से गाड़ी निकाल रहा है। तो आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बतानी थी कि अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो और आपके यहाँ पर TRC में स्टे अवेलेबल नहीं होता है, वैसे तो यहाँ पर एक और नई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, नई बिल्डिंग बना रहे हैं, आने वाले टाइम में काफ़ी कमरे अवेलेबल हो जाएंगे। बट इनकेस अगर आप रिसेंट आते हो और आपको नहीं मिलता है, तो एक और ऑप्शन यहाँ पर है, जैसे कि आप मेरे पीछे बोर्ड देखोगे तो यहाँ पर ग्रीन माउंटेन होम स्टे करके है, बिल्कुल पास में है TRC के बगल में, वो सामने दिख रहा है। कितना लिखा है, मुंशारी 31 किलोमीटर है। तो यहाँ से 31 किलोमीटर मुंशारी है, और उससे करीबन 9 किलोमीटर पहले हमें खलिया टॉप के ट्रैक जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पहुँचना है। तो फिलहाल हमें ऐसी रोडों का सामना करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और कोशिश ये रहेगी कि आज ट्रैक करें और आज ही वापस आ जाएँ, ताकि कल हम मुंशारी अराउंड मान लें। इनकेस अगर लेट हो गई या हमारा प्लान बन गया तो हम ऊपर भी स्टे करने की प्लान कर रहे हैं। हमने वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली है, वहाँ पे भी एक TRC है, हालांकि उन्होंने अभी वो अपने लीज पे दिया हुआ है, तो हमने फिर भी उनसे फ़ोन करवा के बात कर ली है, अवेलेबिलिटी है वहाँ पे, और प्लस वो चीप भी है, 800-900 रुपये के आसपास है। बट वहाँ जाके पता लगेगा कि क्या सीन है। तो धीरे धीरे चलते हैं और सीधे पहुँचते हैं अब वहाँ। अगर बीच में कुछ रोड की कंडीशन होगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। सील भाई चला रहे हैं हमारी गाड़ी, मस्त एकदम एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, हमने उनको बैठा दिया है बिल्कुल सीट पे, कॉकपिट पे बैठा दिया है। क्योंकि यहाँ पे ना अभी क्या हो रहा है कि गाड़ी निकालने के लिए, जैसा कि आपने अभी देखा होगा, बाहर निकल के पूरा बताना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक रोड है, और वीडियो भी थोड़ा हिल हिल के बनेगी। चलो मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, रोड आगे फिर से खराब। इसको सो गाइस, वृत्ति फॉल से करीबन 15 किलोमीटर आगे चल के आपको एक काली माता का मंदिर पड़ेगा। तो इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ से पंचाचुली पीक दिखता है, बहुत अमेजिंग। अभी तो बादल लगे हुए हैं, मैं आपको हल्का सा व्यू अभी दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, और पंडित जी ने हमें सारा बताया यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी मंदिर है काफ़ी पुराना है, और काफ़ी टाइम से ये लोग ये यहाँ पर हैं, और ये मंदिर जो है 12 मास खुले रहता है। और प्लस पॉइंट जो आपने अभी देखा है पंचाचुली के जो पीक है, वो भी यहाँ से दिखाई देते हैं। अभी तो बादल लगे हुए हैं तो अभी दिख नहीं रही है। प्लस एक छोटी सी दुकान भी, अगर आपको कुछ चुटपुट सामान लेना है, स्नैक्स वगैरह, आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये भाई साहब भी यहीं रहते हैं काफ़ी, क्योंकि बर्फ़ के टाइम में काफ़ी ठंडा लग जाता है, ठंड रहती है यहाँ पे जाड़ों के टाइम में, तो ये भी काफ़ी एक तरीके से तपस्या है यहाँ पे इतना दूर रहना। भाई साहब का घर कहाँ पर हुआ? मेरा घर यही हुआ, मनिक कहते हैं, मनिक टोकमा आता है, काला मनी हुआ। अच्छा, यहाँ से थोड़ा आगे जाके बनी है। अच्छा, तो यहीं का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा आयस टोलिया। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। ओके, तो गाइस ये हम उस जगह पे पहुंच गए जहाँ से खलिया टॉप का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो वो पीछे जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो है खलिया द्वार,
और यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी है पार्किंग में, यहाँ पे आप पार्किंग लगा सकते हो और उसका यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। प्लस यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है और साथ ही साथ में एक छोटा सा इग्लू हाउस भी यहाँ पे बनाया हुआ है, तो अभी मैं चल के दिखाता हूँ आपको अगर वो खोलते हैं तो। अगर आप लोगों को परमिशन लेनी होती है यहाँ पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे मुनसारी जाना पड़ेगा। सो गाइस ये है वो ऑफिस जहाँ पे आपको ट्रैक करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और हाय माय नेम इज भारती फ्रॉम पिथौरागढ़। हेलो माय नेम इज प्रतिभा फ्रॉम पिथौरागढ़। हाय आई एम हिमांशी।